अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक वीडियो के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के जरिए, जैसा कि आपने टाइटल देख चुके हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको गौर से सुनना है और एक्चुअल में जो हकीकत है मैं उसको बयान करूंगा। कि जैसा टाइटल है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने टैट दे चुके हैं, जो जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा, पीसी, एलसी, जिनका बीएड में एडमिशन जो था अभी तक हो चुका है, जिनका बीएड कंप्लीट, जो अपियर वालों को जो चांस दिया गया था, कौन से सीटेड अपियर वालों को उनका बीएड जस्ट हुआ हुआ होगा, अभी तक डिग्री नहीं आएंगी, या जिनका डिप्लोमा नहीं आया होगा, या जो कंटिन्यू अभी किसी कोर्स में है, बीएससी में है, बीए में है, वगैरह वगैरह में, जो भी कोर्स में अभी वो कंटिन्यू में है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आगे क्या बताने जा रहा हूँ, इस बात को समझो। देखो, मैंने अक्सर हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के आप लोगों के समझ में आना चाहिए कि भाई जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट तो वो ओरिजिनल मांगे जाते हैं, वो ओरिजिनल वेरिफिकेशन के टाइम में वेरिफिकेशन टीम मांगती है। तुम्हारे सवाल 50 बार बगैर वीडियो देखे, वो कमेंट बॉक्स के अंदर टीसी नहीं है, एलसी नहीं है, वो कॉलेज में है, हम ये कोर्स कर रहे हैं, हम वो कोर्स कर रहे हैं, तुम्हारा यही रोना है 12 महीने का। मैंने 1000 बार वीडियो बनाया था कि जब फॉर्म भरते टाइम में गलतियां करूंगा, तुमने एक भी सूचना नहीं भरते हुए पूरे गलतियां करके बैठे, और बाद में चार चार पांच पांच फॉर्म भर के तुमने कम से कम दो दो ढाई ढाई हजार रुपए डाले सूचना नहीं पढ़ने की। इतना तुमको वीडियो में आयता एकदम निवाला तैयार जो हो रहा, सिर्फ अपने को मुंह में डालने का है, तो वो भी नहीं होता अपने से। तो ये चीज ऐसी है कि तुमको वो वहां पर तुमने 1000 गलतियां करे, खाली तुम्हारे अंदर मानने की सिफत नहीं होने की वजह से तुमने सूचना एक भी नहीं पढ़े। बाकी जो गलतियां नहीं करे उनकी बात है, लेकिन ज्यादातर प्रमाण में उर्दू मीडियम वालों ने गलतियां करे, किसी दूसरे की सुन के फॉर्म भरे, किसी दूसरे का ही सुन के ये कर दिए, वो कर दिए। अपना भी तो दिमाग लगाओ, अगले वाला क्या बोल रहा है उसके अलावा भी अपन ने सूचना पढ़ने होना कि नहीं। तो ये चीज है। अब तुमको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, यहाँ पूरा इंडिया परेशान है या पूरा महाराष्ट्र परेशान है, लाखों करोड़ों लोग जो है पढ़े लिखे बेरोजगार है अभी फिलहाल में। तुम्हारे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आने की जो है अभी जो है प्रोसेस चालू हो चुकी है, तुमने एक ऐसा एग्जाम दे चुके हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा। तो अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद में, या तुम्हारा सिलेक्शन लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में, तो उनके वेरिफिकेशन टीम को ये बोलेंगे क्या कि भाई मैं तो वहां पढ़ रहा, मेरा एजुकेशन है अभी, तुम ये इस पर काम चला लो। ये ऐसे बात होते नहीं रहते, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ तुमको, ये बात नहीं चलते कहीं पे भी। ये गवर्नमेंट जॉब है, तुमको 1000 बार बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे पास अगर जो करंट में अगर जिनका बीएड हुआ होगा उनकी डिग्री नहीं आई होंगी, वो लीगल कोई रीजन होगा, उसको टाइम लगेगा, तो वो चीज पूरी लिख कर लाओ, लिख ही में लाओ, रखो अपने पास में, यूनिवर्सिटी से लाओ, कॉलेज से लाओ कि भाई हमारे पास इनका इनका एडमिशन था, ऐसा बोनाफाइड पे तुमको कोई नौकरी देगा क्या यार? सीधी सी बात है यार, सेंस की बात है एकदम, किसी को भी बोल दिए तो कोई बोनाफाइड पे सादा कोई चीज नहीं मिलती यहाँ पर, अपने को नौकरी देंगे क्या? और जैसा तुम बोलेंगे कि मेरा वहां पे पढ़ना है, तो वो क्या बोलते, पहले जाके तुम क्या करो, तुम पहले पढ़ाई करो, ये नौकरी की जरूरत नहीं है अभी तुमको, तुम क्या करो, तुमने टीसी नहीं लाया ना वहां से निकाल के, तो तुम क्या करो, पहले तुम जाके पढ़ाई तुम्हारी कंप्लीट करो, और बाद में तुम यहाँ पर आकर अगले साल जब भी भर्ती निकलेगी जो भी, तो वहां पर आके नौकरी करना, ऐसा वो सीधा बोल देते। तो नौकरी है वो गवर्नमेंट जॉब है यार, तुम्हारे तुम तो ऐसी बात कर रहे कि प्रोविजनल पे चलता गया, ये चलता गया, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तुम्हारे जो भी चीजें हैं, टीसी, टीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले नंबर पर देखे जाने वाली चीज टीसी है। अगर ये चीजें नहीं है, अगर गुम गई, कुछ हो गई, घूमना तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास से ऐसा गुम जाएंगी या कुछ हो जाएंगी, बाय चांस ऐसा कभी कभार हो सकता है, ये फाइल वगैरह कहीं हम भूल गए होंगे, तो उसके डुप्लीकेट्स वगैरह की प्रोसेस जो रहती है वो करके वो मंगा लो। अब उसमें सबसे मेन चीज रही थी कि भाई टीसी तुम बोल रहे, अरे टीसी के बगैर तुमको कोई कैसा देगा? तुम्हारा वेरिफिकेशन ही टीसी पे होता ना, तुम्हारे पूरे भारत में जितने डॉक्यूमेंट्स है वो टीसी पर बनते, तो तुमको गवर्नमेंट जॉब वैसे ही दे देंगे क्या? कोई भी कागज उठा के तुमने हाथ में थमा दिए तो? तुमको बोल रहा है यार मैं डिप्लोमा, डिग्री, तुम्हारे हर चीज जो हमारा कहा एमएससी में है, कहा भी है, तुमने तीर मार, कितना भी तीर मार दिए, कितना भी पढ़ लिए, पीएचडी भी कर लिए, तो वो उनको कोई लेना देना नहीं है अगले वाले टीम को। तुमको नौकरी देना है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना है, तो तुमको हर चीज को टिप टॉप रखना होगा। मास्टर बन रहे यार अपन लोग, अपने को इतनी चीज नहीं समझ रही कि वो बोलना क्या चाह रहा मैं, तो वही बार बार अपने को रिपीट करने की जो है आदत है। टीसी जरूरी है, डिप्लोमा जरूरी है, डिग्री जरूरी है, मार्कशीट जरूरी है, ये चीजें जरूरी है। बच्चे है क्या यार अपन? कमाल होगी मेरे को लगता कि उसमें वहां पर जो चीज लग रही है गवर्नमेंट जॉब में, एक प्राइवेट जॉब है क्या कोई कंपनी का, उठा के कोई भी दे देगा, तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा, तुम्हारा हर चीज होगी, ऐसा कैसा? तुमने एंड टाइम पे अगर उसने समझो तुम्हारे पास डिग्री नहीं रही, तुमने ऐसी किसका भी सुन के चले गए और जाके बैठ गए, उसने बोला ठीक है तुम क्या करो, हमको अगले एक हफ्ते में, अगले दो हफ्ते में डिग्री ला के दो, तो तुम डिग्री की प्रोसेस एक दो हफ्ते में कर सकते क्या? हलवा थोड़ी है वो, यूनिवर्सिटी इतने जल्दी डिग्री देते रहती क्या? और 31 मार्च के पहले का तुम दिमाग में बिठाई नहीं अभी तक, तुमने खाली एग्जाम दे के आ गए भाई। 31 मार्च से पहले तुम्हारा जो डोमिसाइल ये रहता है, या तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, या तुम्हारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, उसके बाद में नॉन क्रिमिनल है, 31 मार्च से पहले ये चीजें होना चाहिए, क्योंकि ये कास्ट का फायदा अगर उठाना है तो ऐसा उसमें उल्लेख है। अब किसी का डिग्री लेट आएगा, किसी का डिप्लोमा लेट आएगा वगैरह वगैरह, तो ये चीजें भले अपॉइंटमेंट लेटर से पहले आ गई तो चलेगा, ये चीजें है। तो अब टीसी नहीं है तुम्हारे पास में, टीसी क्यों नहीं? मुझे कमाल लग रही, टीसी तो होनी चाहिए ना, सीधी सी बात है, टीसी तो पहला प्रूफ है,
सबसे पहले बोर्ड सर्टिफिकेट 10वीं का, और उसके बाद में टीसी। 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट और टीसी गवर्नमेंट जॉब में बहुत मायने रखती है। ये नहीं होगा तो बोर्ड से डुप्लीकेट लाओ, प्रोसेस करो, FIR करके घूम गया बोल के जो भी तुम्हारे पास प्रोसेस रहती है वो करो। इसके अलावा जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है जो एकदम नेसेसरी है, कंपलसरी है, वो जरूरी है, उसमें कोई छूट है ही नहीं है। तुम्हारा 6ठी से 12वीं पे सिलेक्शन होता है तो तुमको डिग्री जो बारे BA की, BSc की डिग्री जो रहती या BEd की डिग्री जो रहती वो चीजें देना जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये चीजें भले ही तुमको वहां पर आइन वक्त पे ना समझो, नहीं अगर मांगे, मांगते तो है, ये कंपलसरी आइडेंटिटी प्रूफ है ये। और उसके अलावा जो चीजें है कि महिला रिजर्वेशन वगैरह, ये चीजें 31 मार्च से पहले कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब कंपलसरी। उसके बाद में इशू डेट अगर देखिए इसकी, EWS की, महिला आरक्षण की, OBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की, नॉन क्रिमिनल की, 31 मार्च के बाद की देखिए तो तुम बाद हो जाते प्रक्रिया से। अब तुम जो बोल रहे कि हमारे पास ये नहीं ना वो चलता गया, और वो नहीं ना वो चलता गया, डिग्री नहीं रहा तो चलता गया, ये नहीं रहा तो चलता गया टीसी, तो बाद में क्या करते मालूम हो, तुमको वहां से बात कर देते हो और वेरिफिकेशन में बात होने वाली की एक लिस्ट लगा दी कि हमने इनको जॉब नहीं दिए, और बाद में तुम्हारे जगह पे अल्टरनेट दूसरों को लेते हैं, जिसको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट नहीं बोलेंगे, जिनको वेरिफिकेशन में बाद होने वालों की यादी रहती, वो गैर हजर होने वालों की यादी रहती, ये तमाम लोगों की यादी लगा के बाद में एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके उसको जो है तुम्हारे जगह पे दूसरों को जो है जॉब देते हैं। तो ये ऐसे बात उनके सामने मत करो यार, कम से कम वो जो रहते डेस्क ऑफिसर जो वेरिफिकेशन वाले, कि भाई हमारे पास ये नहीं आगे क्या करते हम जरा MSc PhD कर लेते, जरा 3 मार लेते और बाद में आकर तुम बोलते, वो बोलते ऐसा करो तुम पहले वो करो, अभी कोई करने की जरूरत नहीं है। तो समझो जरा, हजार बार लाख बार तो मैंने बोल डाला, 200-220 वीडियो में मैंने हर बारी में हर चीज को बताया, फिर भी वही चीज यार, इस पर चलता गया, उस पर चलता गया, सादे सुधे कागज पर कोई नौकरी देता गया यार। तो ये चीज है, वो पूरे सर्टिफिकेट्स पूरे वो ओरिजिनल मांगता है। और तुम्हारा TET, कल को तुम बोलेंगे नहीं हमारे पास TET भी नहीं, हम क्या करते अभी अगले साल बैठते और TET तुमको पास करके ला के देते, नौकरी देते क्या वो? DED का तुमने DED करे हुए है, TET पास है सब, तुम्हारे पास डिप्लोमा ही नहीं ना, वो मार्कशीट के बाद का जो डिप्लोमा आता तो वो नौकरी देंगे क्या? मार्कशीट है, डिग्री नहीं है तो नौकरी मिलती क्या? चांस भले ही दे देंगे वो चांस, और देंगे नहीं देंगे इसकी क्या गारंटी है? आजकल थोड़ा फट से मांग रहे हर चीज, चांस देंगे नहीं देंगे इसकी क्या गारंटी है? इसके अलावा MSCIT का तुमने वहां यस नो करे होंगे, कोई मसला नहीं, नो करे होंगे तो, क्योंकि वहां पर ऑन ड्यूटी 2 साल का चांस मिलता है MSCIT कंप्लीट करने का। अगर तुमने वो 2 साल में नहीं करे, वहां ऑर्डर पे लिखे हुआ रहता तो भी तुमको धोखा रहता है। कास्ट वैलिडिटी के लिए 6 महीने का चांस देते हैं, अगर इत्तेफाकन अगर बढ़ गया तो 6 महीने से ज्यादा चांस देते हैं, उससे ज्यादा कोई चांस देते नहीं है वैलिडिटी के लिए। और वैलिडिटी जॉब पर लगे सिवा मिलती नहीं है, तुम अभी भी कोशिश करें तो कोई फायदा नहीं, एक तो इलेक्शन में खड़े रहने के बाद या फिर जॉब में लगने के बाद ही वैलिडिटी मिलती है। तो ये वीडियो के जरिए जो मैंने समझाने का था, मेरे तरीके से समझाया, भाई यार समझो इतने बड़े है तुम, DEd BEd MEd क्या क्या करके बैठ गए और वही चीज को रिपीट 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 कर रहे। तो ये वीडियो मेरा स्पेशली था आज, इस वीडियो को कंप्लीट देखो और समझो, बाकी शेयर नहीं भी करा तो चलते, करे तो चलता, लेकिन तुम तो भी देखो कम से कम एक वीडियो, देखते नहीं पूरा स्किप करके देखते, वही सवाल मुझे पूछते यार। मिलेंगे अगले वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।